आज का हमारा विषय है सिटोस्की पैराडॉक्स। सिटोस्की पैराडॉक्स है क्या, तो उसको आज हम जानेंगे। यहाँ पे यूटिलिटी ऑफ बी है, यहाँ पे यूटिलिटी ऑफ ए है, ये दोनों चीज़ें हैं। और यहाँ पे क्या लिखा है, मैं बस उसको फिगर से आपको समझाने का प्रयास करने वाला हूँ। तो आप यहाँ पे दो प्रोडक्शन, यूटिलिटी प्रोडक्शन कर्व देख रहे होंगे, एक है UPC1 और दूसरा है UPC2, और इनमें दोनों में मिला के चार यूटिलिटी दी गई हैं, यूटिलिटी पॉइंट दी गई हैं, बी ए सी डी, राइट। तो एक्चुअली सिटोस्की पैराडॉक्स है क्या, सिटोस्की पैराडॉक्स एक प्रकार से हिक्स और केल्डोर का क्या है, क्रिटिसिज्म है, कंट्राडिक्शन है, इसका कंट्राडिक्ट करता है। ये कहते हैं कि जो ए पॉइंट है, सिटोस्की साहब कहते हैं जो ए पॉइंट है, इसको मैं बता सकता हूँ कि ये बी का बेटर ऑफ है, केल्डोर इंप्रूवमेंट है, और इंस्टेड मैं बी को बता सकता हूँ कि ये बी ए का केल्डोर इंप्रूवमेंट है। ये पहली लाइन ने कहा। अब कैसे बताते हैं, ये देखिए, मान लीजिए जो सी है ये क्या है, ये पॉइंट है यूटिलिटी प्रोडक्शन कर्व वन पे, जो आप देखोगे यहाँ पे, तो एक प्रकार से यू बी इसका सेम है, पर यू ए यूटिलिटी ऑफ ए इसका ग्रेटर है, ठीक है, देखिए इतना ग्रेटर है। और ऐसी सिचुएशन में क्या हो जाएगा, इसको आप कहोगे कि केल्डोर इंप्रूवमेंट है ओवर बी, ये क्या है, केल्डोर इंप्रूवमेंट है ओवर बी, यानी कि यूटिलिटी ऑफ बी और बी पॉइंट से कंपेयर करें तो सेम है, पर यूटिलिटी ऑफ ए ज़्यादा है इसका इन कंपेरिजन टू पॉइंट बी। ये जानने के बाद अगर हम इनकम को रीडिस्ट्रीब्यूट करें तो हम इस पॉइंट पे पहुंच सकते हैं ए पे, सी से हम ए पे पहुंच गए डिस्ट्रीब्यूशन के करते करते, और जब डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया तो ए पॉइंट क्या हो गया, केल्डोर इंप्रूवमेंट ओवर बी, इस प्रकार से केल्डोर इंप्रूवमेंट ओवर बी हो गया ये। अब दूसरी सिचुएशन देखिए, अब यहाँ पे हमने क्या देखा पहली सिचुएशन में कि ए इम्प्रूवमेंट है केल्डोर, केल्डोर इम्प्रूवमेंट है ओवर बी। अब हम देखने वाले हैं कि बी कैसे केल्डोर इम्प्रूवमेंट है ओवर ए, तो डी पॉइंट देखिए, सिमिलर सिचुएशन, यू ए बराबर है या ज़्यादा है, और यू बी ज़्यादा है किसकी, डी पॉइंट की, अगर हम कंपेरिजन करें किससे, ए पॉइंट से, तो ऐसे में डी क्या हो जाएगा, केल्डोर इम्प्रूवमेंट हो जाएगा ओवर ए, ओवर ए। अब हम क्या करते हैं कि डी से इनकम डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करते हैं, कुछ हम यूटिलिटी ऑफ ए में लगाते हैं, कुछ बी में लगाते हैं, चेंज कर करके हम कहाँ पे चले जाते हैं, बी पॉइंट पे। अब जब बी पॉइंट पे पहुँच गए तो ये क्या हो जाएगा, केल्डोर इंप्रूवमेंट ओवर ए, क्योंकि डी क्या था, ये इंप्रूवमेंट था ए के ऊपर। तो ऐसे में क्या होता है, इसी को हम कहते हैं कि ये क्या है, सिटोस्की का पैराडॉक्स है, कि मतलब एक ही पॉइंट दूसरे पॉइंट पे इंप्रूवमेंट भी है और दूसरा पॉइंट उसके ऊपर इंप्रूवमेंट है। ये सिटोस्की पैराडॉक्स था, ये कंट्राडिक्शन था हिक्स और केल्डोर का, तो इसे आप क्रिटिसिज्म में भी लिख सकते हैं, जो सिटोस्की का पैराडॉक्स है ये एज अ क्रिटिसिज्म आप यूज कर सकते हैं, डायरेक्ट लिख दीजिए सिटोस्की पैराडॉक्स, राइट। सिटोस्की ने एक और चीज़ दी थी, क्या दी थी, डबल क्राइटेरिया ऑफ इंप्रूवमेंट, ये क्या था, तो यहाँ पे फिर से वर्टिकल लाइन पे यूटिलिटी ऑफ बी है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे यूटिलिटी ऑफ ए है, ये यूटिलिटी प्रोडक्शन फंक्शन है, ये भी वही है, बस फर्क ये है कि हायर स्टेटा पे ये लोअर स्टेटा पे है। अब यहाँ पे कुछ ज़्यादा नहीं कहते हैं सिटोस्की, ये केल्डोर और हिक्स की बात ही दोहराते हैं, क्या कहते हैं, बस यहाँ पे इन्होंने फिगर के द्वारा इसको दर्शा दिया कि जो विनर होगा वो ब्राइब दे सकता है, विनर मतलब जो बेटर ऑफ हुआ है, जो बेटर ऑफ हुआ है वो ब्राइब देगा किसको, लूज़र को, टू एक्सेप्ट द चेंज, चेंज को एक्सेप्ट करने के लिए। पर ये रिवर्स नहीं हो सकता है, लूज़र विनर को ब्राइब नहीं दे सकता है जो चेंज हुआ है उसको एक्सेप्ट करने के लिए। इसको दिखाते हैं यहाँ इस फिगर से, ये देखिए यहाँ पे इम्प्रूवमेंट हो गया क्यू से, आर मानिए जी मानिए, इम्प्रूवमेंट हो गया, यूटिलिटी ऑफ ए भी बढ़ी है, कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है, राइट। तो ये तो बेटर ऑफ हुआ, और रिडिस्ट्रीब्यूट करके यहाँ भी पहुँच सकता है, और डिस्ट्रीब्यूट करके यहाँ पहुँचेगा तो यहाँ पे आप पा जाओगे कि ये क्या है, केल्डोर इम्प्रूवमेंट है ओवर क्यू, ये तो पैसा दे सकता है इसे और यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर आके ये केल्डोर इम्प्रूवमेंट बन जाएगा। पर आप क्यू से नहीं एक्सेप्ट कर सकते कि वो इसको पैसा देगा और इसकी सिचुएशन बनी रहेगी, ये बेटर ऑफ सिचुएशन में रहेगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है, राइट। तो यही इनका डबल क्राइटेरियन है, फिगर इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी आपको केल्डोर हिक्स का जो पहला स्टेटमेंट था उसी को दूसरे शब्दों में लिख देना है, और यहाँ पे बता देना है कि ये जो जी था, जी क्या है, जी केल्डोर इंप्रूवमेंट है, ये इसको कंपेंसेट कर सकता है, पर क्यू इसको कंपेंसेट नहीं कर सकता है। अब इसी के विरोध में क्रिटिसिज्म भी होगा और इसको प्रूव किया जाएगा कि ऐसा हो सकता है, तो इसका विरोध करने के लिए कौन आए, कोई और नहीं आए, सैमुएलसन आए, इन्होंने क्रिटिसाइज किया सिटोस्की को, और जो हमने लास्ट में पढ़ा उसी के बेसिस पे इनको क्रिटिसाइज किया,
ये यू भी है, यूटिलिटी ऑफ बी, ये यूटिलिटी ऑफ ए है, ये प्रोडक्शन फंड यूटिलिटी प्रोडक्शन फ्रंटियर है, और ये भी यूटिलिटी प्रोडक्शन फ्रंटियर है। अब यहाँ पे ये बताते हैं कि ये जो एस पॉइंट है ये कैल्टोर इम्प्रूवमेंट है क्यू पे, ये क्या है, कैल्टोर इम्प्रूवमेंट है क्यू पे, और ये सेटिस्फाई भी करता है सुडोसिस का डबल क्राइटेरिया। डबल क्राइटेरिया मतलब कि क्यू भी इसको क्या कर सकता है, ब्राइब दे सकता है, सपोर्ट कर सकता है, कंपनसेट कर सकता है। कब, जब एस यहाँ से नीचे होता होता यहाँ चला है, यहाँ पे आ जाए, तो क्यू क्या कर सकता है, उसको ब्राइब दे सकता है। और इस प्रकार से डबल क्राइटेरियन सुडोस्कीज़ का फुलफिल हो जाता है सिमुलेशन के क्राइटेरियन से, क्रिटिसिज्म से। पर जो सुडोस्कीज़ थे वो ये कहते हैं, या फिर कहते हैं सिमुलेशन ही कहते हैं, कि तभी हो पाएगा, क्या नाम है, इंप्रूवमेंट ऑफ वेलफेयर रिक्वायर्स दैट, जो नई यूपीसी है, मतलब मार्केट में पहले ये था यूटिलिटी प्रोडक्शन फंक्शन उसका। अब जो दूसरा यूटिलिटी प्रोडक्शन फ्रंटियर आए, वो ना इसके अंदर से, ना इसके अंदर ख़त्म हो, ना इसके अंदर से शुरू हो, बल्कि ये इसके बाहर ही रहे, तभी उसी सिचुएशन में ये क्रिटिसिज्म नहीं होगा, क्रिटिसाइज नहीं हो पाएगा डबल क्राइटेरिया का, ये सेमिशन आर्ग्यू करते हैं। तो इस प्रकार से हमारा हिक्स, कैल्डोर और सॉर्ट्सकी और इसका क्रिटिसिज्म बाय सैमुएलसन कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।